चंद्रमा जो है तो आपकी राशि से तुला राशि से छठवें चंद्रमा है, वो छठवें मंगल है, छठवें मंगल वक्री चल रहे हैं, इसलिए आपके रोग और शत्रुओं का तो विनाश होगा, कर्ज की मात्रा बढ़ेगी और पुराने शत्रुओं का जो है तो आगमन होगा, लेकिन मित्रता के रूप में परिणित हो सकता है। आपका अपव्यय होगा, खर्च में रंग कुछ नहीं ला सकते, मामा को कष्ट होगा, भाई से विवाद होगा। इस प्रकार से ये मंगल देव आपके लिए ठीक नहीं, भूमि संबंधी कार्यों से सावधान रहें। मंगल के कारण जो है तो बकरी होने से भूमि संबंधी कार्य अगर करते हैं, खरीदा खरीदी करते हो, विवाद की जड़ बन सकती है, विवाद हो सकता है भविष्य में, इससे उसे सावधान रहना चाहिए। और आपकी तुला राशि से सात आठवें स्थान पर राहु देव आ रहे हैं। अभी तो राहु देव जो है 23 तारीख तो ठीक चलेंगे, लेकिन आठवें राहु आने वाले हैं। कब? 23 तारीख से, उस समय से आपको आठवें राहु भैसों कष्टदायक रहेंगे। अचानक होने वाली दुर्घटना से सावधान रहना है, होने वाली दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। गुप्तांग में कष्ट हो सकता है और पीड़ा हो सकती है, कोई अचानक कोई चोट चपेट आपको लग सकती है, उससे सावधान रहना है। आपको किसी बात में कोई फंसा सकता है, आपको शंका कुशंकाएं बनी रहेंगी। इस प्रकार से राहु देव आपके लिए 1.5 वर्षों के लिए ठीक नहीं आ रहा है। और 23 तारीख से राहु जैसे राशि का परिवर्तन करेंगे तो तुला राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। इधर ढैया शनि भी चल रहा है, ढैया शनि आपके लिए सप्ताह में विशेष कष्टकारक है। आपके कर्ज की मात्रा बढ़ रही है और जो कर्ज पहले लिया है उससे आपको नुकसान हो रहा है, साथ साथ में कोर्ट मुकदमा का योग भी जो चल रहा है उससे तो सतर्क रहना चाहिए। कर्म क्षेत्र आपका बिगड़ा हुआ है और जो है सो साथ साथ में कर्म क्षेत्र में बिगड़ने के साथ आपको कर्ज की मात्रा बढ़ी हुई है और कोर्ट मुकदमा चल रहे हैं, कर्म क्षेत्र बिगड़ा हुआ है और पैसे की मारामारी चल रही है, पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ा है या स्वभाव बिगड़ा है। इस प्रकार से तुला राशि वालों को पूरा सप्ताह थोड़ा ठीक नहीं है, इससे सावधान रहना है। साथ साथ में आपके जो गुरुदेव हैं आपकी राशि से तीसरे होने के कारण आपकी पत्नी का आपका मन मिलान अच्छा रहेगा, मन मुटाव अच्छा रहेगा, भाग्य का वृद्धि का सूचक है। अचानक आध्यात्मिक क्षेत्र से आपको भाग्य की वृद्धि होगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका मन लगेगा, भक्ति पूजन साधना मंगल यात्रा सब आदि का योग बन सकता है। साथ साथ में बड़े भाई बहनों का सुख व सहयोग मिलेगा, उनके सहयोग से कोई बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से तुला राशि वालों के लिए सप्ताह पूरा मंगलमय बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।